अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 9 और 10 दोनों क्लासेस के पेपर्स हो चुके हैं और तमाम स्टूडेंट्स अपने अपने रिजल्ट के इंतजार में हैं। बहुत सी डेटें आजकल अनाउंस हो रही है कि रिजल्ट इस डेट को आएगा, इस डेट को आएगा। आज की इस वीडियो में मैं आप सबके लिए फाइनल और कन्फर्म डेट लेकर आई हूँ जिस डेट को आप सबका रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट डेट बताने से पहले जो हमारे चैनल पर न्यू व्यूवर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो डेट ये जो हमारे पास आई है तमाम बोर्ड्स की 10 क्लास की, वो हमारे पास 21 जुलाई 2023 है। यानी 10 क्लासेस, जितने भी तमाम 10 क्लासेस है, जितने भी बोर्ड्स हैं, उन सब का यही कहा जा रहा है कि इस दफ़ा सबका 21 जुलाई 2023 को रिजल्ट आने वाला है। इसके अलावा 9 क्लास की जो एक्सपेक्टेड डेट है रिजल्ट अनाउंस की, वो 15 अगस्त 2023 बताई जा रही है। और इस वीडियो में एक और बात मैं ये बताना चाहती थी कि बहुत से बच्चे होते हैं जो के जिनके नंबर्स तो अच्छे आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन उनके हिसाब से कम होते हैं। बास बच्चे जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, इंजीनियर्स, जो जितने भी फील्ड जो है उसमें जाना चाहते हैं, तो उनके मार्क्स उस हिसाब से थोड़े से कम होते हैं और वो हाईएस्ट मार्क्स लेने के लिए, टॉप करने के लिए दोबारा अप्रूवल के पेपर देते हैं, या जो बच्चे पेपर्स रिपीट करते हैं या कोई पेपर मिस हो जाता है। सप्ली के जो पेपर होते हैं वो तो नए उसी क्लासेस के साथ अगले ईयर्स देने होते हैं, लेकिन जो पेपर रिपीट, मिस या अप्रूवल के देने होते हैं उसकी जो डेट होती है हमेशा रिजल्ट डेट के 40 डेज बाद होती है। तो जिस तरह अगर आप लोग की 31 जुलाई को अगर आप लोग का रिजल्ट आएगा, तो इस हिसाब से आप लोग के 40 डेज बाद आप लोगों ने पेपर्स देने हैं। अक्सर बच्चे जो होते हैं वो ये भी समझते हैं कि सप्ली की तरह दूसरे पेपर्स भी जो होते हैं अप्रूवल के, वो भी आगे ही देने होंगे, अगले महीने यानी अगले ईयर्स देने होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो 40 डेज बाद हमने वो पेपर्स देने होते हैं। तो 40 डेज के हिसाब से हमारे जो पेपर्स बनेंगे अप्रूवल के पेपर्स, तो वो 30 सेप्टेम्बर या 1st 2nd अगले मंथ में आ सकते हैं। तो इस डेज को हमेशा याद रखिएगा ताकि आप लोग पेपर्स दे सके। अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं जो कि डेट को याद नहीं रख पाते और उनके ये पेपर्स जाया हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा ईयर्स खतरे में हो जाता है। तो इसलिए इम्प्रूवल के पेपर देने के लिए आप लोग को याद रखना है कि रिजल्ट डेट के 40 डेज बाद आप लोग के इम्प्रूवल्स पेपर्स, रिपीट एंड मिस पेपर्स आप लोग दे सकते हो। ये आप लोग के पास मैट्रिक का जो रिजल्ट है उसकी न्यू पॉलिसी आई थी, जो कि मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करती चलूं। उम्मीद है कि इस दफा तमाम बच्चे पास हो जाएंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला हम सबको पास करे अच्छे मार्क्स के साथ, आमीन। इसके अलावा पॉलिसी तो यही न्यू आई है कि इस दफा जो है स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं हुई, आगे सबकी जो है तकदीर है, जो जो जिसको मिलेगा इंशाल्लाह, उम्मीद है कि इस दफा सब पास हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।